हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं क्लास 8th का। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज को शुरू किया था और उसको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर दिया था। लेकिन इस वाले वीडियो लेक्चर में आप सोच रहे होंगे कि हम 2.2 क्यों नहीं पढ़ रहे, हम 2.3 क्यों पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 2.1 और 2.3 है वो लगभग सेम है। तो हम पहले अगर इसको कर लेंगे और इसको अगर समझ लेंगे उसके बाद हम 2.2 को क्या कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा जो काम है वो बहुत इजी है। जैसा हमने 2.1 में किया था, x की वैल्यू यानी वेरिएबल्स की हमने क्या निकाली थी, वैल्यू निकाली थी, तो इसमें भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारा ईजी काम है, हमें उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, आप ध्यान से देखिए, फिर आप भी बिना देखे करिए और उसके बाद कॉपी में आप लोग बिना देखे आराम से कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आपको पता है कि 3x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 2x का है राइट हैंड साइड में। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें x यानी वेरिएबल्स को, आपको पता ही है कि जो x y z होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स नहीं रहती और क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो हमें पता है कि हमें इसको लेफ्ट साइड में लाना है और नंबर्स को हमें क्या करना है, राइट साइड में रखना है। आप चाहो तो नंबर्स को राइट साइड में ला सकते हो और वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में, कैसे भी आप कर सकते हो। तो मान लो ये 3x है और अब मेरे को ये 2x को इस तरफ लाना है लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये पीछे का साइन नहीं देखते, आगे देखो, आगे पॉजिटिव है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा इक्वल टू, अब इक्वल के बाद 2x तो उधर आ गया तो यहाँ क्या रह गया, बस 18 रह गया, सिंपल। अब उसके बाद देखो 3x में से 2x गया, यानी सेम है वेरिएबल, दोनों x है तो इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा होता 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x स्क्वायर आ रहा है और इसमें x आ रहा है, तो ये सेम नहीं है। लेकिन 3x माइनस 2x, अब इसमें दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है, x x है, अब आप इसको माइनस कर सकते हो, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 1, और x को ऐसे कैसे लिख दो, तो 1x, तो 1x नहीं लिखते हम, तो सीधा क्या लिखते हैं, बस x, क्योंकि x ही क्या होता है, 1x ही होता है। 1 लिखोगे तो 1 को अगर आप x से इंटू करोगे, मान लो किसी भी को भी 1 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, वो का वही नंबर आता है, इसीलिए हमें 1x नहीं लिखते। अब मैं 1x लिखूंगा तो इससे कोई मतलब है, 1 × x, तो 1 × x क्या होगा, x ही होगा, तो इसलिए हम सीधा इसको क्या लिखेंगे, x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो हमारा ये आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन ये बोल रहे हैं चेक योर रिजल्ट ऑल्सो, इन सारे में हमें क्या करना है, चेक भी करना है। तो अब हमारा काम है check, चेक, तो पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब चेक करने के लिए x की वैल्यू को हमें क्या रखना है, इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या रखना है, 18, क्योंकि हमारा आंसर 18 ही आया। तो देखो 3x है, यानी 3 × x की जगह क्या रखेंगे, 18। 3x का मतलब x की जगह 18, कई बच्चे ऐसे करेंगे 3x है, x की जगह 18, तो 3 × 1 = 8 हो गया, ये गलत है। 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x, तो 3 × 18 इक्वल टू 2x, यानी 2 × 18, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 18, तो 3 को 18 से इंटू करेंगे, तो 3 × 8 आपको पता है कितना होता है, 24 का 4, 2 हासिल, तो 3 × 1 = 3 = 54, ये आप खुद ही कर सकते हो, इक्वल टू 2 × 18 = 2 क्या होता है, 36, प्लस क्या हो जाएगा, 18, तो इधर तो 54 है, इक्वल टू इधर प्लस करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, 54, तो ये दोनों 54 आ गए, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, और ये रिजल्ट क्या हो चुका है, चेक भी हो चुका है। तो इस तरह आपको पहले x की जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है और सबको क्या करना है, चेक करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप इसको अच्छे से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो और फिर बाद में आप देख सकते हो। तो 5t-3 इक्वल टू 3t-5। अब इसमें आपको पता लग रहा है ये t क्या है, वेरिएबल है, तो ये इनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 5t तो इधर है ही, और ये 3t क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पीछे नहीं देखना साइन, आगे कोई साइन है नहीं है, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव यानी माइनस का 3t। ओके, अब इधर क्या बच रहा है, माइनस 5, ठीक है। अब ये 3 को हमें राइट हैंड साइड में लाना है, 3 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आगे देखो साइन क्या है, नेगेटिव, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस का 3। सिंपल, 5t इधर ही था, 3 को इधर लाया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये तो पहले से इधर ही है नेगेटिव, क्योंकि देखो माइनस लग रहा है साइन, और ये माइनस 3 इधर गया तो प्लस का 3। अब ये माइनस हो सकता है क्योंकि टी सेम है वेरिएबल, 5 में से 3 गया तो 2, तो कितना आ जाएगा, 2t इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन 5 बड़ा है और उसके आगे माइनस, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है ये 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब हमें पता है 2 से 2 कैंसिल 1 बार में, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 आएगा, तो माइनस 1 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या आंसर आ गया, टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। ये आपका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हमारा सेकंड काम है कि हमें इसको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये आंसर क्या है, सही भी है या गलत है। तो चेक इजीली हो जाएगा, देखो मैंने बताया था क्या करना है, पहले इक्वेशन लिखनी है, 5t-3 इक्वल टू 3t-5, और t की जगह क्या रखना है, माइनस 1। तो 5 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1, फिर क्या, माइनस 5। तो 5 इंटू माइनस 1, 5 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो 5 बन जाए तो 5 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का 5, माइनस 3, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8, लेकिन दोनों माइनस के इसलिए माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का आ जाएगा, और LHS और RHS इक्वल हो गया, तो यही हमारा आंसर और वेरीफाई हो गया और चेक हो गया कि हमने जो ये आंसर निकाला, अगर ये इक्वल नहीं आते, इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो हमें एक बार और सारे कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो लेकिन इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा चेकिंग भी सही है और हमारा आंसर भी क्या है, सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो सब इजी है, आप लोग अब आराम से कर सकते हो हर एक क्वेश्चन। 5x+9 = 5+3x। तो 5x है, ये तो इधर ही रहेगा, ये 3x उधर आएगा, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू 5, तो इधर ही रहेगा। अब ये 9 इधर आएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 9 राइट हैंड साइड जाएगा। तो अब ये दोनों x वेरिएबल सेम है, तो 5 में से 3 गया तो 2x इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 9 में से 5 गया तो क्या हो गया, 4, लेकिन बड़ा नंबर 9 है, बिग नंबर है, तो क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस 4/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/1 यानी माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हमारा वापस काम क्या है, इसको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक तो सब में ही करना पड़ेगा आपको। 5x+9 है इक्वल टू 5+3x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 5+3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, माइनस 2। तो 5 2 से क्या होगा, 10, तो 10 आ जाएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 9, फिर आ जाएगा 5 प्लस 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का
सिक्स है तो माइनस का सिक्स, प्लस माइनस माइनस, तो टेन में से नाइन गया तो वन, लेकिन टेन बड़ा है और माइनस है तो माइनस का आ जाएगा फाइव, और इधर देखो प्लस माइनस माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस सिक्स, इधर माइनस वन है इक्वल टू, अब इधर देखो प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से फाइव गया तो वन, लेकिन सिक्स बड़ा है उसके आगे माइनस लग रहा है तो माइनस, तो दोनों माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब ये भी क्या हो चुका है, चेक हो चुका है और आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो हमने देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चेक करके इसके आंसर को क्या कर दिया, निकाल दिया, बिल्कुल ईजी काम है। देखो आपको चेक करना है और वैल्यू निकालनी है। अब आप सब वीडियो को पॉज करते हुए हर एक क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फोर में आ गए, मैं तो सारे को बताऊंगा लेकिन आप भी बिना देखे करोगे तभी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, ठीक है, तो 4z है ये तो इधर ही रहेगा, यहाँ 2z इधर आएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2z, 6 इधर ही है, अब ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, 4 में से 2 गया तो 2z आ गया, इक्वल टू 6 में से 3 गया तो क्या जाएगा 3, तो अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 3 बाई 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई, क्योंकि अब 3 बाई 2 कैंसिल थोड़ी होगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाई 2। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन अब हम चेक करके करना है कि हमारा आंसर सही भी है या गलत है। तो क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, तो 4 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 3 बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 3 बाई 2। अब देखो सॉल्व करो, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे, 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6 प्लस क्या रहेगा 3, 6 बाई 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 6 प्लस, अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल 1 बार में, और 3 वन ज़ा क्या होता है 3, तो 6 प्लस 3 9, और इधर भी 6 प्लस 3 क्या हो गया 9, और ये चेक हो गया और दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, हमने क्वेश्चन का जेड की वैल्यू भी निकाल दी और बाद में उसको क्या कर दिया चेक भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन सब आप कर सकते हो आसानी से। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो 2x तो इधर ही रह जाएगा ऐसे ही, अब ये माइनस का है x है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 14 इधर ही रहेगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, अब 2x प्लस x, अब प्लस x का मतलब यहाँ 1 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3x हो जाएगा इक्वल टू 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15, अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाई 3, और 3 की टेबल से कट जाएगा 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई 5, तो इजी आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है इसको चेक करना है, चेक करना इजी है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है 5, तो 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू इधर 14 में से 5 गया तो 9, इधर देखो 10 माइनस 1 9, 9 इक्वल टू 9, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट है। तो हमने पहले x की वैल्यू निकाली और चेक करने के लिए उस वैल्यू को इक्वेशन में क्या किया पुट किया, और इक्वेशन में पुट करने के बाद बिल्कुल वो क्या आ गया करेक्ट आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया 5 को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आप वीडियो को पॉज करके इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। अब इसको इधर उधर लाने से पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देखो 8x प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, इधर की तरफ देखो ये 3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 है, तो ये जो 3 बाहर होता है इसको ब्रैकेट के अंदर के दोनों से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा,
फिर 3 को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब 8x है, अब ये 3x को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, क्योंकि प्लस का है, पीछे नहीं देखना साइन आगे, इक्वल टू माइनस 3 है ही प्लस 7 है ही, 4 को उधर लाएंगे, 4 प्लस का है इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब 8 में से 3 गया तो क्या आएगा, 5x इक्वल टू, अब इधर देखो सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 में से 3 गया तो क्या आएगा, 4, लेकिन 7 बड़ा है इसलिए क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, फिर अब बच रहा है माइनस का 4, तो 5x इक्वल टू 4 में से 4 गया तो क्या आएगा, 0, 0 आ गया, x की वैल्यू निकालना है तो 0, फिर ये 5 डिवाइड में चला जाएगा और किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें इसको क्या करना है, चेक करना है, क्वेश्चन लिख देते 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 7, तो सबसे पहले 8 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस 4 इक्वल टू 3, एक्स की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 8 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस क्या है, 4 इक्वल टू 3, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 0 गया तो, 1 में से 0 गया तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, अरे 1 में से बिल्कुल इजी समझो ना, 1 में से 0 गया तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन 1 बड़ा है और माइनस लग रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो इनटू में है यहाँ, और उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और प्लस का क्या है, 7, तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस 7, तो 4 तो है ही, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 में से 3 गया तो क्या आएगा, 4, और 7 बड़ा है इसलिए प्लस का ही 4 आएगा, और ये प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर है, इसका मतलब है हमारा ये जो 0 आंसर है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, और हमारा आंसर क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, और हमने कौन से क्वेश्चन को कम्प्लीट कर दिया, 6 वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया, कम्प्लीट कर दिया। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप बस इजीली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन में। 7 है, मैथ्स के सारे रूल्स का आपको फॉलो करना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोचोगे कि ये नंबर बाहर है तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 10 से भी कर देते हैं, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करोगे तो भी सही आएगा, लेकिन अगर आप इस 5 को क्या करो, ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में भी तो भेज सकते हैं, इधर भेज देंगे तो और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं 5 को इधर भेजता हूँ तो इधर हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा, 5x, और इधर क्या रह जाएगा, 4 इंटू और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 10, तो ये क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। देखो 5x तो है ही, 4 को x से इंटू करेंगे क्या आएगा, 4x प्लस 4 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 10 जा 40। अब 4 को इधर भेजना है तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, 5 में से 4 गया तो 1 यानी x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40, तो हमारा इजी आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या है, 40। आप चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, मैं बाद में अगर आपको नहीं आए तो आप बोल देना तो मैं बता दूंगा, x इक्वल टू क्या है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अब x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 40, तो इधर मैंने 40 रख दिया, इक्वल टू 4/5, और इधर भी क्या रख देंगे, x की वैल्यू 40 प्लस क्या हो जाएगा, 10, तो इधर तो पहले 40 है, 4/5 इंटू 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50, 5 की टेबल में देखो 50 कट रहा है कितनी बार में, 10 बार में, तो इधर तो 40 है ही, और इधर देखो 4 इंटू 10, 4 10 जा 40, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, तो इसका मतलब है हमारे x की वैल्यू 40 बिल्कुल क्या है, करेक्ट है,
ठीक है। अगर आप पहले वाले तरीके से करते तो इसमें एक दिक्कत आती कि आपको थोड़ा क्या लेना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, उससे आपका क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। तो आज का आपका वर्क है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तक क्वेश्चन करने हैं। और आप इसको बिना देखे करोगे तो अच्छा रहेगा, और बिना देखे करके आप बीच में वीडियो को देख के उसको सीख सकते हो, लेकिन 7 तक क्वेश्चन को आप बिना देखे अच्छे से करना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।